أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار شرح السنه امام بربهاري رحمه الله يديم الشان تاليف और इसके अक्सर मसाइल हम पढ़ चुके हैं चंद मसाइल बाकी हैं और आज जिस मसले से हम आगाज़ करेंगे उसका नंबर है एक सौ इक्कीस वन टू वन और इस मसले का ताल्लुक इस बात से है कि ये बात मानना होगी कि जनाब अबू बकर और जनाब उमर ये दोनों नबी अलीसम के साथ सईदा आयशा के हजरे में मदफ़ून हैं और ये मसला क्यों बयान करना पड़ा मुमकिन है कि हमारे इमाम बारी रहा के ज़माने में ऐसे लोग हों जो ये बात मानने से इनकार करते हों कि अबू बकर नबी आल अस्लात तो असलम के साथ ही मदफ़ून हैं तो कहते हैं वल वालमान बेन्ना अबा बकर हजरत आयशा मारसूल अल्ल वसम दफी ना हू ना कम आहू ईमान लाना होगा इस बात पर बेशक अबू बकर उमर, नबी अलीसम के साथ हजरा ऐशा रदी में हैं हजरा आयशा रदी में क़द्दी ना हू ना कम आहू दोनों को आपके साथ वहीं पर दफन किया गया है फैदा अतई तलकबरा चुनाचे जब आप कब्र के पास आए कब्र से मुराद क्या है नबी अली सत والسلام की कब्र के पास फत تسلیم علیہما واجب البعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم तो इन दोनों तो पे सलाम पढ़ना वाजिब होगा नबी अली सलात والسلام तो पे सलाम पढ़ने के बाद तो यहाँ पे दो चीजें हैं एक ये अकीदा रखना कि जनाब ए अबू बकर और जनाब ए उमर दोनों नबी अलीलात के साथ सईदा आयशा के हजरे में मदफ़ून हैं दूसरे नंबर पे ये कि दोनों की कबर पे सलाम पढ़ना वाजब ज़रूरी है ये दो मसले हो गए पहला मसला कि ये दोनों नबी आलतम के साथ सईदा आयशा के हजरे में मदफ़ून हैं और नबी अस्लातम के साथ ही हैं क्या दलील है इसकी वैसे तो ये मामला वादे है तारीख़ की कुतुब में सीरत की कुतुब में आपको ये मिल जाएगा लेकिन एक हदीस भी आपके सामने रख देता हूँ बुखारी शरीफ की हदीस है नंबर है इसका तीन हज़ार सात सौ थ्री सेवन ज़ीरो ज़ीरो <ख्यों> ये रवैत के रावी हैं जनाब अमर बिन मैमून और ये जनाब उम्र फ़ारूक़ की शहादत का तस्करा कर रहे हैं कि कैसे वो नमाज़ पढ़ा रहे थे और नमाज़ के दौरान उन्हें खंजर मारा गया और उनका इलाज करने की कोशिश की गई लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था ये लंबी रवायत है तो उस रवायत में है कि जनाब उमर फ़ारूक कह रहे हैं अपने साहबज़ादे अब्दुल्ला बिन उमर ऱी अल्ला तुम से इन कल आयशतमुमिन आयशा जो कि मोमिनों की माँ हैं उनके पास जाओ कौन भेज रहा है उम्र फ़रूक किस को भेज रहे हैं अब्दुल्ला बिन उमर को अपने बेटे को फ़कुल और कहो यकलई की उमर उसलाम कि उमर आपको सलाम कह रहे हैं वला तकुल तकुलमिरमुमिन और ये अल्फाज ना कहना कि सलाम कह रहे हैं फनी लस्तुल्योमुमिन अमीरा मैं आज मोमिनों का अमीर नहीं हूँ उनका खलीफा नहीं हूँ उनका हुक्मरान नहीं हूँ तोादों से कह रहे हैं कि आज मेरा आखिरी दिन है आज मैं दुनिया से जाने वाला हूँ समझें कि मेरी खिलाफत ख़त्म हुई मेरी इमारत ख़त्म हुई और वैसे भी जिस काम के लिए भेज रहे हैं उस काम में अपनी खिलाफत का और अमारत का हवाला देना मुनासब नहीं है वक़ुल और वहाँ जाकर ये कहना सईदा से ये कहना ये सदिनों मरुबिन ही कि उमर बिन खत्ताब इजादत मांग रहा है इस बात की कि उसे उसके दो साथियों के साथ ही दफना दिया जाए इसका मतलब यह है कि उम्र फ़ारूक़ की ख्वाहिश है कि मुझे कहाँ पर दफनाया जाए जहाँ पर कौन मदफ़ून है नबी अलीस्त और अबू बकर अनु इसका मतलब ये हुआ कि अबू बकर और अल्लाह के रसूल एक ही जगह पर हैं इसलिए वो कहते हैं कि मुझे उन दोनों के साथ दफनाया जाए और इजाज़त किससे माँगी जा रही है सईद ऐशा से उनसे क्यों मांगी जा रही है क्योंकि घर उनका है फसल लमा चुनाची अब्दुल्ल बिन उमर आए और उन्होंने सलाम कहा वस्ता अदना और अंदर आने की इजाज़त चाहिए सुम दाख़ल आलहा फिर अंदर तशरीफ़ ले गए फवजा काद तब की तो अब्दुल्ला बिन उमर ने सईदा आयशा को इस हालत में पाया कि वो बैठी हुई थी और रो रही थी किसकी वजह से रो रही थी उम्र फारूक की वजह से फ़ला तो कहाब्दुल्लब नबर ने यक रऊली के उमर उब्लताब इसम के उमर बिन ख़ताब आपको सलाम कह रहे हैं व यस्िनफ़न आसाहिबई ही और आपसे इजाज़त मांग रहे हैं इस बात की कि उन्हें भी उनके दो साथियों के साथ दफनाया जाए फ़ालत तो सईदा कहने लगी कुं तो उरीद होली नफसी ये बात तो मैं अपने लिए पसंद करती थी इनके मैं ये चाहती थी कि मुझे दफन किया जाए नबी अलीलातम के साथ और मेरे वालद अबू बकर सिद्दीक के साथ रज़ी अल्लाऊ थी नबी अलोमला नफसी लेकिन आज मैं उमर को अपने ऊपर फोकियत दूँगी तरजीह दूँगी मैं कुर्बानी देती हूँ ठीक है उनको दफ़न कर दिया जाए फलम अकबला तो जब अब्दुल्ला बिन उमर इजाज़त लेकर वापस आए तो क़ीला तो कहा गया हाद अब्दुल्ला बिन उमर कज्जा ये अब्दुल्ला बिन उमर तशीफ़ ला चुके हैं आ रहे हैं कला इरफाउनी, उम्र फलू कहने लगे मुझे उठाओ मुझे ऊपर करो बीमार हैं पेट से ज़्मों से खून निकल रहा है और शिफा याब होने की उम्मीद ना तबीबों को रही है ना खुदों ने रही है इसीलिए मौत की तैयारियाँ कर रहे हैं दफन की इजाज़त मांग रहे हैं इस हाथ में कह रहे हैं मुझे ऊपर उठाओ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें कितना शौक है किस बात का कि उनकी तदफीन नबी अलीस्म और अबू बकर के साथ हो अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा है जब पता चला अब्दुल्ला वापस आ रहा है तो कहते है मुझे उठाओ मुझे पता चले ये नहीं कि वो क्या जवाब लेकर आया फासन दहू रजुल ही तो एक आदमी ने उन्हें सहारा देकर ऊपर किया आदमी ने उस आपको सहारा दे दिया अपने जिस्म के साथ और ऊपर किया फ़काल तो कहने लगे उम्र फ्रुक माल क्या खबर लेकर आयो खाली तो हिब्बू या अमीर हमीर अलमअन मैं वो जवाब लेकर आया हूँ जो जवाब आपको पसंद है आदिनत सईदा ने आपको इजाज़त दे दी है खाल अहमदल्ला मैं इस नेमत पे अल्लाह की हम दो शना बयान करता हूँ माँ काना इन सई इन अहम इलाया मिन, मिन मुझे इस वक्त इस बात से ज़्यादा किसी और चीज़ की फ़िक्र नहीं थी देख लीजिए फ़ैदा अनकदई तो फह मिलोनी जब मैं फौत हो जाऊँ तो मेरी मैयत को मेरी लाश को उठा लेना ले जाना वहाँ पर सुमसलम फिर वहाँ जाके सलाम कहना फ़कुल और कहना यस्सा अदीन अमर उबन खताब के उमर बिन खताब आपसे इजाज़त मांग रहा है इनके दोबारा फ़ैन अदीन अगर वो मुझे इजाज़त दे दे फिलूनी तो मुझे अंदर दाखिल कर लेना किसके अंदर हुजरे के अंदर वह इन रद्दतनी और अगर मुझे वो इजाजत ना दें मुझे वापस लुटा दें तो रदू मकाबिल मुसलिमिन तो मुझे मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन कर देना वहां ले जाना उसके बाद दीगर उमूर का तस्करा है इस रवायत में और फिर आखिर में आता है कि फ़िलम माकुबीदा जब वो फ़ोत हो गए खर्जना भी ही। हम उनको लेकर निकले उनकी मैत को लेकर निकले फ़न तलकने नमशी हम चलते रहे फसलम अब्दुल्लबर बिन उमर ने सलाम कहा और कहा यस्स अधिन उमर बलखताब उमर बिन बिलखताब इजाज़त मांग रहे हैं ख़ालत अद फरमाने लगी उन्हें अंदर ले आओ फौद उन्हें लाया गया फवुल का माहिबई ही तो उन्हें उनके दो साथियों के साथ दफना दिया गया तो इससे क्या पता चला फिर कि तीनों कहाँ मदफ़ून हैं, सईदा आयशा के हजरे में मदफ़ून हैं। तो इस हदीस पे ईमान लाना होगा इस फजीलत पे जो उनको मिली है इस आदत पे जो अल्लाह ने उनको दी है इसे मानना होगा शायद राफ़ी लोग इस आदत को हज़म ना कर सकें लेकिन जो दुरुस्त अकीदा रखते हैं सहााबा के नाम से मोहब्बत करने वाले हैं क्लान हदीस पर ईमान लाने वाले हैं उन्हें इस अमर पे भी ईमान लाना होगा कि जैसे अल्लाह ताला ने उमर को नबी अली अलीसम की ज़िंदगी में ये एजाज़ दिया था कि आप उन्हें अपने साथ साथ रखते थे अपने साथ ले कर जाते थे उनके साथ मीटिंग करते थे उनके साथ मशवरे करते थे ऐसे अल्लाह ने उनको एजाज दिया कि फ़ौत होने के बाद वो नबी अलीलात उलाम के साथ ही मदफून हैं कबरें एक साथ हैं उसके बाद दूसरा मसला क्या था इस मसले के अंदर ही कि इमाम बरबारी ने कहा था कि जब आप कबर पे जाएं तो आप पे वाजब है कि नबी अलीलातलाम के बाद उन पे भी सलाम पढ़ें ये कहना कि जनाब बकर जनाब उम्र पे सलाम पढ़ना वाजब है ये मौक़ ठीक नहीं है इमाम बरभारी बहुत अजीम इमाम है हम उनसे मोहब्बत करते हैं हम उनका एहतनाम करते हैं उनके इलम को भी मानते हैं इलम का वो पहाड़ हैं लेकिन ये बात उनकी ठीक नहीं है सलाम पढ़ना वाजब नहीं है अलबत् सलाम पढ़ना अफजल है बेहतर है सुन्नत है क्या दलील है इस अफज़ल होने की सुन्नत होने की बेहतर होने की इस बारे में मैं आपके सामने रखूँगा बुरैदा बिन हुसैब असलमी ऱी अल्लाह की हदीस जो मुस्लिम शरीफ में आई है वहाँ पे नंबर है नौ सौ पचहत्तर नाइन सेवन फाइव और इबन माजा में भी आई है और वहाँ पे नंबर है एक हज़ार पाँच सौ सैतालीस वन फाइव फोर सेवन तो आइए मैं ये हदीस आपके सामने रखता हूँ इबन माजा से सोलन इब्ने माजा से वैसे तो ये मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है नंबर मैं आपको बता चुका हूँ तो ये देखिए बिन हुसैब असलमी ऱी कहते हैं कि कान रसूल सल वसम के नबीत व्ल् सहाब कलाम को तालीम दिया करते थे इसका मतलब है बड़ी अहम बात है जो अभी वो बताने लगे हैं कि नबी अल्लाम उन्हें तालीम दिया करते थे कि इदा खरजूलम जब वो कब्रस्तान जाए तो कानूम यक़ूल तो वहाँ जाकर कहने वाला ये अल्फाज कहे अलकुम तुम्हारे ऊपर सलामती हो तो अल्लाह के सुर क्या तलीमा दे रहे हैं कि वहाँ जाके कब्रस्ान में जाएँ कब्रों के पास जाएँ तो कब्र वालों पे सलाम पढ़ना है उन्हें सलाम कहना है अल्लाम आलकम तुम पे सलामती हो अहलमुसलिमीन इन घरों में रहने वाले मोमनों और मुसलमानों तो ये सलाम किन की कब्रों पे पढ़ना है मुसलमानों और मोमनों की कब्रों पे क्योंकि ये सलामती की दुआ है ना कि अल्लाम अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मिसाल के तौर पर अल्लाह तुम्हें सलामत रखे किस से अजाब से अल्लाह तुम्हें सलामत रखे हर तरह की तकलीफ से तो अल्लामीकम तुम पे सलामती नाजल हो इन कब्रों में रहने वाले मोमनों और मुसलमानों और यहाँ पे कब्रों का लफ्ज़ क्या बोल कबरों पर लफ्त क्या बोला गया घर का तो 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 कबर को मुसलमान और मोमन का क्या करार दिया गया घर तो इन अल्फाज में सबक है मेरे लिए और आपके लिए कि हमारा असली घर ये नहीं है असली घर हमारा कबर है जैसे दुनिया में घर बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं मेहनतें करते हैं ऐसे ही कबर वाले घर के लिए भी मेहनत करें और उसके वो कबर कबर वाला जो घर है वो ख़ूबसूरत बनेगा वसी बनेगा नीमतों वाला बनेगा किसके ज़रिए नेक माल के ज़रिए और अगर हम गुनाह करते रहे फ़राज वाजबात में कमी कुताही करते रहे तो वो घर हमारे लिए अजाब का घर बन सकता है तो क्या दुआ सिखा रहे हैं आप अस्सलाम वालेकुम अहले असलकुमार वाल मोमिनीन और मुस्लिमीन इन घरों में रहने वाले मोमिन और मुसलमानों तुम्हारे ऊपर सलामती नागलो व इ ना इन श्लाब्ला अगर अल्लाह ने चाहा तो बेशक हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं ये अल्फाज मेरे और आपके मुंह से क्यों निकलवाए जा रहे हैं ताकि हमारे दिल में ये बात बैठ जाए कि हमने भी इन कब्रों में आना है तो तैयारी कर लें और दुआ के आखिर में ये अल्फात कि नस अल्लाक आफिया हम अल्लाह से तुम्हारे लिए भी आफियत का सवाल करते हैं और अपने लिए भी तो नबी अलीसम ने कब्रस्तान में पढ़ने के लिए ये दुआ सिखाई है ये सलाम सिखाया है क्या आपने कहा कि वहाँ पे जाके फात्या पढ़ना सूर्य बकरा की पहली आयतें पढ़ना सूर्य बकरा की आखिरी आयतें पढ़ना कुरान खानी करना सूर्य यासीन पढ़ना नहीं बिल्कुल ये चीजें आपने नहीं सिखाई आपने क्या सिखाया है कि कब्रस्तान में जाके कब्र वालों के लिए सलामती की दुआ करनी है अब यहां पे ये भी सवाल पैदा हो जाएगा कि ये क्यों कहा जा रहा है ए कब्र वालों तुम्हारे ऊपर सलामती नादर हो क्या कब्र वाले सुनते हैं तो जवाब ये है कि ये ये चीज कुरान ने वादे कर दी है कुरान ने कह दिया है कि वमा तबी मुस्म फिलकबूर ये सुर फातर के अल्फाज हैं कि जो भी कब्रों में हैं उन्हें आप अपनी आवाज नहीं सुना सकते तो फिर आप सवाल करेंगे फिर उन्हें मुखातब क्यों करते हैं अगर वो सुनते ही नहीं हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं ए कब्र वालो तुम पे तुम पे सलामती नाजल हो फिर तो ये कहना चाहिए था कब्र वालों पे अल्लाह सलामती नाजल फरमा कब्र वालों को महातब क्यों किया गया तो मेरी गुजारिश है एक तरफ है कुरान का वाद अकीदा कि जो कबरों में है उन्हें आप अपनी वाद नहीं सुना सकते एक तरफ ये मसला आप इन अलफाज से अखज कर रहे हैं वादे तौर पे नहीं है ऐसा सदी में कि कब्र वाले सुनते हैं ये तो आपने मतलब निकाला है किस से इन अल्फात से कि अः कब्र वालो तुम्हारे ऊपर सलामती नाज आपने इससे मतलब निकाला कि चूंकि हम उनसे हम कलाम हो रहे हैं उनको मुखातब कर रहे हैं सुनते हैं तो इसीलिए मुखातब कर रहे हैं तो यह नतीजा आपने निकाला है ऐसे ही है इस नतीजे को हम मान लेते अगर कुरान के खिलाफ ये नतीजा ना होता जब ये नतीजा कुरान के खिलाफ है अब हम इसे नहीं मानेंगे तो सवाल तो फिर भी बाकी रहेगा आपका इश्काल और शुबा तो फिर भी बाकी रहेगा वो तो आपके दिल से निकलना ही नहीं है क्योंकि आपकी तवज्जो कुरान की आयत पे नहीं है उसको आपने नजरअंदाज कर देना है आपकी तवजो बस इस बात पे रहनी क्या फिर मुखातब क्यों करते हैं फिर मुखातब क्यों करते हैं नहीं सुनते तो मुखातब क्यों करते हैं मैं कह रहा हूं कि आप कुरान की आयत को भी सामने रखें लेकिन आपने काम नहीं करना इसलिए शुभ आपके दिल से जाएगा नहीं तो फिर शुभ दूर करने के लिए मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं वो क्या कि उम्र फलू रजी अल्ला बुखारी की रिवायत है जब हजर रद के पास आए थे तो हजर असवद को मुखातब करके कहा था पत्थर को मुखातब करके कहा था कि अल्लाह की कसम तू नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं है अगर नबी अस्तम ने तुझे बोसा ना दिया होता मैंने तुझे बोसा नहीं देना था तो उम्र फलूक रवद को मखातब कर रहे हैं क्या वो पत्थर भी सुनता है पता चला ये एक अंदाज है गुफ्तु का ये एक अंदाज़ है दुआ करने का ज़रूरी नहीं कि जिसको भी आप मुखातब करें वो सुन रहा होता है हमारी माँ फौत हो जाए अल्लाह हम सबकी माँ को सलामत रखे जिनकी फौत हो चुकी है उन्हें अल्लाह ताला जन्नत में अला मकाम नेत फरमाए तो जिनकी माँ फौत हो जाए वो कई कई दिन माँ की कबर पे आके कर माँ से बातें करते रहते हैं हालाँकि उनको भी पता होता है माँ सुन नहीं रही उनका भी नजरिया ये होता है तो मां सुनती नहीं है लेकिन बातें फिर भी कर रहे होते हैं अपने दिल को तसली देने के लिए एक और चीज आप नोट करें कि हमें क्या सिखाया गया है जब किसी माजूर को देखें किसी लंगड़े को देखें नबीना को देखें मुसीबत जदा को देखें तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए अलहमदुल्लादी आफ़ानी मिम मब्तला का भी कि मैं उस अल्लाह की हम दो बयान करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे उस मुसीबत से महफूद रखा है जिस मुसीबत में तू मुबतला है यह अल्फाज मैंने और आपने कहने हैं किस को देखकर मुसीबत जदा को देखकर मिसाल के तौर पर कोई लंगड़ा है कोई नाबीना है कोई कैंसर की मारी में मुबतला है तो आपने ये अल्फाज कहने हैं अच्छा आप ये अल्फाज ऊंची वाज से कहने चाहिए कि आस्थावा से बताइए ऊंची वाज से कहेंगे तो इसका मतलब है आप नबीना के दिल को दुखा दुु। दुु। रहे हैं परेशान कर रहे हैं उसको कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तुझे इस मुसीबत में मुबला की है मुझे महफूद रखा है इस्लाम तो इजाजत नहीं देता कि आप किसी मुसलमान को तंग करें उसे तकलीफ दें उसे परेशान करें इस्लाम तो ये कहता है कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथों से दूसरे मुसलमान सलामत रहें। तो ये दुआ आसब से पढ़ी जाएगी अच्छा जब आसब से पढ़ेंगे तो जिसको आप मुखातब कर रहे हैं वो सुन नहीं रहा फिर आप उसको मुखातब क्यों कर रहे हैं जब वो सुनता नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं तमाम तरीफे उस अल्लाह तला के लिए जिसने मुझे उस मुसीबत से महफूज रखा जिसमें तू मुबला है तो जवाब फिर वही है कि ये दुआ पढ़ने का एक अंदाज है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन हैं ना हम उसे सुनाना चाहते हैं बल्कि अगर सुनाने हैं ये अल्फाज तो फिर इसे बेहतर है कि आप ना कहें एक और मिसाल ले लें जब इस्लामी महीने का नया तुलू होता है तो उसको देख के क्या दुआ सिखाई गई है कि हमने हम पढ़ें अल्लाह महिला बिल अमी वाल ईमान वसनामत वाल्लाम रब्बी व रब्बू कल्ला इस चांद को तुलू कर हमारे ऊपर अमन के साथ ईमान के साथ सलामती के साथ इस्लाम के साथ ए चांद तेरा भी अल्लाह मेरा भी अल्लाह क्या चांद सुनता है तो उसको मुखातब क्यों कर रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि मुखातब करने का यह नतीजा निकाल लेना कि वो सुनते हैं कब्र वाले ये नतीजा गलत है दुरुस्त नहीं है और गुमराह होने वाले लोग यहीं से गुमराह होते हैं कि वो किसी दलील से कोई गलत नतीजा निकाल लेते हैं उसके ऊपर डट जाते हैं और जो दुरुस्त और वादे दिलल होते हैं उनकी तरफ देखते नहीं हैं तो यहां पर वादे आयत है कि जो भी कब्रों में है उन्हें आप नहीं सुना सकते बल्कि जब बदर की लड़ाई हुई और नबी अलीस्म के हुक्म से बड़े बड़े कुफर के सरदारों को एक कुएं में फेंक दिया गया तो आप कुएं को ऊपर तशरीफ लाए और इन मुर्दों से मुखातब हुए और कहा कि जो वादा अल्लाह ने हमसे किया था अल्लाह ने सच्चा कर दिखाया तुम्हारे साथ जो वादे हुए थे उनका क्या बना ये आप किन को मुखातब कर रहे हैं मुर्दों को किन को मुखातब कर रहे हैं मुर्दों को अच्छा इतनी अदीज लेकर हमारे वो मुसलमान दा यह कब्र वाले सुनते हैं वो कहते हैं लो जी दी से साबित हो गया कि सुनते हैं अल्लाह के रसूल इसीलिए तो उनसे गुफ्तगु कर रहे थे भाई बात पूरी बयान करें ना आप जनाब उमरे फलूक ने कहा अल्लाह के रसूल आप इन मुर्दों से गुफ्तगु कर रहे हैं जिनमें रू ही नहीं है उम्र फलूक को यह कहां से मालूम हुआ कि मुर्दे सुनते नहीं है क्यों जी और कीजिए जरा इस पर मतलब उम्र फलूक अकीदा रखते थे कि मुर्दे नहीं सुनते इसीलिए अल्लाह के रसूल से कह रहे अल्लाह के रसुल आप इनसे गुफगु कर रहे हैं जिनमें रू ही नहीं है ये तो बुखारी शिफ के अल्फाज का मफूम है वरना मुसन अहमद की रिवायत में ये अफाज भी आए हैं कि उन्होंने इस मौका पर वो कुरान करीम की वो एतें पड़ी जिनसे पता चलता है कि मुर्दे नहीं सुनते इनके कहा अल्लाह के रसूल आप इनसे कलाम कर रहे हैं इनसे गुफ्तगु कर रहे हैं जबकि अल्लाह तला कहता है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते इन नकला तो नबी अली सतम ने उस मौका पर उम्र फरूक से ये नहीं कहा कि उम्र तुम्हारा अकीदा गलत है इसको ठीक करो सही बात यह कि मुर्दे सुनते हैं। बल्कि आपने ये कहा कि ये इस वक्त मेरी गुफ्तगु तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं अल आना अब इसका मतलब यह है और उसकी वजहत इस मतलब की मतलब मैं बयान करने लगाऊँ इसकी वजाहत इमाम कतादा ने भी की है जो ताबी हैं और इस हदीस के रावियों में से एक हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला तक को आपका कलाम सुनाया ताकि उनके अजाब में उनकी तकलीफ में इजाफा हो उनकी जिल्लत में इजाफा हो इसका मतलब यह है कि आम कानून और असूल यह है कि मुर्दे नहीं सुनते उस मौका पे अल्लाह ने आपकी ये बातें उनको सुनाई ताकि उनके अजाब में इजाफा हो और ये आपका मुआवजा भी हुआ इसलिए इमाम बहकी इस हदीस को अपनी उस किताब में लेकर आए हैं जिसका नाम है दलाइल नबूवा यानी कि नबूवत पे दलालत करने वाले मोजात नबी नबीम की मोजात इमाम बहकी ने किताब में जमा कर दिए वहां पे इस हदीस को भी लेकर आए बताने के लिए कि ये मुआवजा है तो आपकी गुफ्तूर मुर्दों ने सुनी ये मोय है ये आम उसूल नहीं है आम उसूल हुआ है तो कुरान ने बता दिया कि जो कब्रों में उन्हें आप अपनी बात नहीं सुना सकते तो अब क्या पता चला कि जब हम नबी अलीस्म की कब्र के पास आएंगे तो पहले आपकी कब्र पे सलाम पढ़ेंगे आपको सलाम अर्ज़ करेंगे अल्लाह के रसूल को सलाम अर्ज़ करेंगे मिसाल के तौर पे हम कहेंगे असलमेक यूनबी ए नबी आप पे सलामती नाजल हो और ये वो वो हैं जो अतियात में हम कहते हैं तशौद में कहते हैं अल्लाह के रसूल के सिखाए हुए अल्फा हैं तो ये सबसे बेहतर हैं लेकिन मतलब ये है कि हम आपको मुखातब क्यों कर रहे हैं क्योंकि तो हमारा सलाम फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह के रसूल तक पहुँच जाएगा ये मसला अभी कहीं से साबत नहीं है कि अला के रसूल खुद सलाम सुनते हैं बिल्कुल ऐसी कोई दलील नहीं है बल्कि सही बात यह कि हमारा सलाम फरिश्तों के जरिए आप तक पहुंचता है जैसा कि नसाई शरीफ और दाऊद शरीफ की अहदी से सबत है कि हमारा सलाम और दरुद आप तक पहुंचता है और बल्कि नसाई शरीफ में फरिश्तों की ड्यूटियां लगी हैं जब भी कहीं से भी कोई सलाम पड़ता है वह अल्लाह के रसूल तक पहुंच जाता है फरिश्तों के जरिए अच्छा अब यह आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या नबी नबीत तो पे सलाम पढ़ने के लिए अबू बकर सलाम पढ़ने के लिए मदीना का सफ़र किया जा सकता है आप मक्का से स्पेशली मदीना इसलिए आएँ कि नबी आलीस्म को भी सलाम अर्ज करूँगा अबू बकर को भी सलाम अर्ज़ करूँगा रजियल्ल्हु तुम या आप पाकिस्तान से इंडिया से बांग्लादेश से अफगानिस्तान से इसलिए वहां जाए कि सलाम अर्ज करूंगा तो गुजारिश यह है कि मदीना का सफर मसर नबी की खातर करना चाहिए कब्र नबी की खातिर नहीं करना चाहिए किसी भी कब्र की खातर सफर करना जायज नहीं है बल्कि किसी मस्जिद के लिए भी सफ़र करना जायज़ नहीं है किसी मस्जिद को काबिल तज़ीम जानकर दीगर मसाजद के मुकाबले में मुक़दस जानकर या ज़्यादा अजर सवाब का हामिल जानकर मस्जिद के लिए भी सफ़र करना जायज़ नहीं है चेजा जाए कि आप किसी कबर के लिए सफ़र करें एक शहर से दूसरे शहर जाए हाँ अपने शहर में रहते हुए आप किसी भी कब्रस्तान में जा सकते हैं और शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना है इसको सफर नहीं कहते मैं सफर की बात कर रहा हूं क्या दलील है कि सफ़र करना मना है कब्रों के लिए या किसी और चीज को किसी और जगह को मुकदस जानकर दलील इसकी बुखारी शिव की हदीस है जिसका नंबर है एक हजार एक सौ वे वन वन एट नाइन फरमाते हैं नबी अलीस्म ला तुशद्दर के सफर करना जैद नहीं है मगर तीन मस्जिदों के लिए नंबर एक मस्जिद हराम नंबर दो मस्जिद नबी नंबर तीन मस्जिद अक्सा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मदीना जाता है सिर्फ मस्जिद को की खातर कि वहां दो रखते अदा करूंगा क्योंकि वहां पर दो रखते अदा करना ये उमरे के बराबर सवाब है तो उसका ये सफ़र ठीक नहीं है हालांकि ये मसला से साबित है क्या कि मस्जिद कुबा में जाके दुरख्तें अदा करें तो आपको उमरे की तरह सवाब मिलेगा लेकिन ये उसके लिए है जो मदीना आ चुका है या मदीना में रहता है लेकिन आप एक शहर से दूसरे शहर जाए कुबा मदीना जाए सिर्फ मस्जिद कुबा की खातर कि वहां पर नमाजें पढ़ूंगा और उमरे का सवाब मिलेगा आपका यह सफ़र ठीक नहीं है ठीक नहीं मैं नहीं कह रहा ये नबी नबीमाम की हदीस का मफहूम है आप कह रहे हैं सफर करना जायज नहीं मगर तीन मस्जिदों के लिए यानी कि चौथी किसी जगह की खातर सफ़र करना जायज नहीं है चाहे वो मस्जिद हो चाहे कब्र हो चाहे मजार हो चाहे दरबार हो कुछ भी हो अलबत् अगर, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं अपने वाल साहब से मिलने के लिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये जगह की खातर सफ़र नहीं है वालद साहब की खातर सफर है वो जहां पे भी होंगे आप जाएंगे आप इलम लेने के लिए एक शहर से दूसरे तो शहर जाते हैं बिल्कुल ठीक है ये उस शहर जिस शहर में जा रहे हैं उसकी खातर सफर नहीं है यह इलम के लिए सफर है जहां से इलम मिलेगा आप वहां पर जाएंगे किसी आलम दीन से मिलने के लिए जाते हैं किसी शहर में कोई मसला नहीं क्योंकि यह उसके शहर की खातर सफर नहीं आलम दीन की खातर सफर है वो जहां पे भी आपको मिल जाएगा आप वहां जाएंगे अच्छा इस हदीस का इतना वसी मफह जो है अल्लाह के रसूल ने तो कहा था सल्हुसम ने कि तीन मस्जिदों के अलावा सफर करना जायद नहीं है तो हमने कह दिया कि जनाब किसी चौथी मस्जिद के लिए भी सफर जायद नहीं है किसी कबर के लिए भी सफर जायद नहीं है किसी और पहाड़ को मुकदस जानकर उसके लिए भी सफर जायद नहीं है किसी और ग़ार को मुकदस जानकर उसके लिए भी सफर जायद नहीं है ये मफहम हम कहाँ से ले आए हैं आइए एक रवायत आपके सामने रखता हूँ इसके रावी हैं अबू बसरा गफ़ारी रजी अल्लाह तुम मसन अहमद में ये रिवायत आई है और नंबर है इसका तेईस हज़ार आठ सौ पचास टू थ्री एट फाइव ज़ीरो इस अदीस का मफहूम ये है कि अबू बसरा बसराफ़ारी जनाब अबू रेरा से मुलाकात करते हैं और अबू रैरा तूल पहाड़ से वापस आए हैं कहाँ से वापस आए हैं तूल पहाड़ क्या आम पहाड़ है नहीं ये वो पहाड़ है जिसपे मूसा आल्लाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे या आप ये कहें कि अल्लाह ताला मूसा इस्लाम से हम कलाम हुए थे तो ये को आम पहाड़ था ना ना हुआ बड़ा खास पहाड़ हुआ बड़ा अजीम पहाड़ हुआ अबू रीला इस पहाड़ की जियारत के लिए गए यानी कि इसको मुकदस जानकर अगर दुनिया दुनिया की खातर आप जाए मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से मस्जिद कबा सिर्फ मस्जिद उबा की खातर जाते हैं और इरादा क्या है कि मैं ज़रा मस्जिद कबा की फ़न तमीर देख लूँ सुना बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है देखूँ कैसे बनी ऐसी मस्जिद मैं भी बनाऊँगा अपने मुल्क में अपने शहर में तो अब ये सफ़र इसलिए सफ़र नहीं है कि मस्जिद कबा अजीम है तो उस उस जगह की खातर सफ़र कर रहा हूँ बल्कि ये दुनियावी सफ़र हुआ कि मैंने देखनी है कि उसका ए, बनाने का तरीका क्या है मैं इंजीनियर हूं इसलिए सफर कर रहा हूं आप इंजीनियर हैं इसलिए सफर कर रहे हैं तो ये दुनियावी सफर हो गया ये जायज है लेकिन इबादत का सफर जगह को मुकद्दस जान का सफर ये दुरुस्त नहीं है किसी और चीज जगह के लिए सवाए इन तीन जगहों के लिए तो अबू बसरा गफारी अबू रहरा से मिले अबू रहरा ने बताया कि मैं तूर पहाड़ की ज्यादा करके आया हूं तो अबू बसरा गफारी कहने लगे अबू रैला अगर मुझे पहले इल्म हो जाता तो मैं आपको कभी जाने ना देता क्या आपने यह हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तीन मस्जिदों के अलावा सफर करना जायज नहीं है मस्जिद राम मस्जिद नबी मस्जिद अक्सा तो क्या अबू रैला ने चौथी किसी मस्जिद का सफर किया था नहीं उन्होंने तो पहाड़ का किया था तो सहाबी ने इस हदीस को पहाड़ के सफर पर भी चश्मा किया है तो पता चला कि इन तीन मसाजत के अलावा किसी जगह को किसी कब्र को मुकदस जान कर सफर करना ये ठीक नहीं है लेकिन जब आप मस नबी की खातर मदीना आएं मस नबी के लिए सफर ठीक हुआ ना जैसे कि दी से पता चला है तो अब आप मदीना में पहुंच के अल्लाह के रसूल अली सक्सम की कब्र के पास भी आएं और सलाम कहें और वो बकरो उमर फरूक की कबरों के पास भी आए और सलाम कहें उसके बाद मसला नंबर एक सौ बाईस वन टू टू, टू. इमाम परबहारी कहते हैं वल अमरु बिल मारूफी व नहय अनिल मुनकर واجب الا من خفت سيفه او عصاه नेकी का बुराई का हुक्म देना बुराई से रोकना ये वाजिब है सिवाय उस शख्स के जिसकी तलवार से आप डरते हो या जिसके डंडे से आप डरते हो क्या मफूम है जी इस हदीस का यहां पे पहले तो इमाम ब्र भारी यह बता रहे हैं कि नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना ये वाजब है हर मुसलमान पे वाजब है कि नेकी का हुक्म दे बुराई से रोके अच्छा ये पहले ये तय कर लें कि नेकी कहते किसको मारूफ लफ्ज़ आया मारूफ किसको कहते हैं सबसे बड़ा मारूफ जो है सबसे बड़ी नेकी जो है वह तोहिद है तो तौहिद की दावत देना यह आप वाजब है फिर नमाज है नमाज की दावत देना आप पे क्या वाजब है जक़ात है जक़ात की दावत देना वाजब है रमज़ान के रोदे रखने की दावत देना इसकी तबलीग करना इसका हुक्म देना ये वाजब है अगर किसी पे हज फर्द हो चुका है वो हज नहीं करता आप उसको कहें कि हज करो ये आप पे वाजब है उसके बाद क्या है दूसरे नंबर पे सिर्फ नेकियों का हुक्म देना काफी नहीं बुराई से रोकना भी जरूरी है आज नेकियों का हुक्म देने वाले आपको मिल जाएंगे बुराई से रोकने वाले कम हैं ये कहेंगे नमाज पढ़ो लेकिन ये नहीं कहेंगे तुम दाढ़ी मूडते हो ये ना मूडा करो ये गुनाह है ये कहेंगे कि तलावत किया करो लेकिन ये नहीं कहेंगे कि तुम गाने सुनते हो ये मना है ये काम ना किया करो ये कहेंगे तोहीद को अपनाओ ये साफ साफ नहीं कहेंगे तुम उस कब्र वाले की कबर के का तवाफ करते हो ये मना है कब्र वाले से दुआएं करते हो ये मना है कबर वाले से शिफा मांगते हो ये मना है ये नहीं कहते साफ साफ ये नहीं कहा जाता जबकि नेकी का हुक्म देना भी वाजब बुराई से रोकना भी वाजब सबसे बड़ी बुराई क्या है शिरक उसके बाद फिर जो कबीरा गुना है जादू करना यतीम का माल खा लेना किसी पाक दामन मुसलमान औरत पे तोहमत लगाना किसी मुसलमान को कत्ल करना ये सब जराइम हैं, इन जराइम से रोकना होगा अच्छा क्या दलील है कि यह काम वाजब है अल्लाह तला फरमाते हैं सूर आलान एक सौ दस वन वन जीरो उम्मीन उखर जतन नास व अबिल करबिल्ला के तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम्हें किस लिए पैदा किया गया इसलिए कि तुम नेकी का हुक्म देते हो बुराई से रोकते हो और अल्लाह पे ईमान लाते हो अल्लाह पे क्या लाते हो ईमान तो इस ऐसे पता चला कि उम्मत मोहम्मद को अफजल क्यों करार दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर एक इसलिए कि ये अल्लाह पे ईमान लाते हैं नंबर दो नेकी का हुक्म देते हैं बुराई से रोकते हैं तो अगर आप नेकी का हुक्म नहीं देंगे बुराई से नहीं रोकेंगे तो फिर आप अफजल ना रहे यह नंबर कौन सी थी एक लेकिन एक और ऐत ये तो 110 सौ दस है एक से पहले एक ऐत है जिसमें जिससे वादे तौर पे पता चलता है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये क्या है ये लाजम है मैं वो ऐत आपके सामने रखना चाहूँगा मैं कुरान खोल रहा हूँ ताकि उस ऐत का नंबर आपको बता सकूँ ये ऐत नंबर एक सौ चार वन जीरो फोर वल तक मिन कुम उम मतु ये तुम में एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो खैर की दावत दे किसकी दावत दे खैर की व यह अमरून बिलूफी जो नेकी का हुक्म दे व यह नहून कर बुराई से रोके व उलाई कामफली होन और यही लोग हैं कामयाबी पाने वाले कौन जो खैर की दावत दें जो नेकी का हुक्म दें जो बुराई से रोकें अब यहां पे क्या कहा गया कि ऐसा ग्लो होना चाहिए गोया को हुक्म दिया जा रहा है इससे पता चला वो माईक नाम कहते हैं इससे यह पता चला कि नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना यह फर्ज किफाया है क्या है क्या मतलब फर्ज कि है फर्ज है लेकिन हर एक पे फर्ज नहीं है जैसे नमाज जनादा फर्ज आईनी है हर एक पे फर्ज है यह फर्ज किफाया है फर्ज किफाया है, क्या मतलब अगर कोई भी महल्ले वालों से मरने वाले की नमाज अदादारी करेगा सबको गुनाह मिलेगा लेकिन अगर कुछ लोग उसकी नमाजें अदा अदा कर दें तो बाकी ना भी अदा करें तो यह फर्ज अदा हो जाएगा फिर किसी को भी गुनाह नहीं मिलेगा तो नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना यह क्या है फर्ज किफाया इसका मतलब यह है कि अगर बुराई करने वाले को एक आदमी ने रोका बुराई करने से दो ने रोक दिया तीन ने रोक दिया बाकी ना भी रोकें काम चल जाएगा लेकिन अगर कोई भी ना रोके उसे गुना से फिर फिर सबको गुना मिलेगा अच्छा अगर नमाज जनादा में चालीस आदमी के बजाय सौ शरीक हो तो सबको सवाब मिलेगा जी ऐसे ही बुराई से रोकने का काम अगर एक के बाद दूसरा भी करे तीसरा भी करे चौथा भी करे पांचवा भी करे सबको सवाब मिलेगा और बुराई करने वाले को भी एहसास होगा भाई मैं गलत काम कर रहा हूं सारे मुझे गलत कह रहे हैं सारे मुझे रोक रहे हैं इससे और कुछ उलमाई के नाम का मौका है कि नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना यह हर एक के ऊपर फर्ज है लेकिन चले दो मिनट के लिए हम इसको फर्ज कफाया मान लेते हैं अब आपके घर में एक बुराई हो रही है वहां पर तो जहरा दूसरे घर वाले आके तो नहीं यह काम करेंगे ना कि बुराई से रोकने का वो तो आपने करना है अब आप पे फर्ज हो गया फर्ज कौन सा हो गया आइन हो गया आप पे और नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना इसको इमाम बरबारी ने वादब करार दिया है तो इसके दलाल में से एक दलील मुस्लिम शीफ की हदीस है जिसका नंबर है उनचास फोर्टी नाइन और रावी है जनाब अबू सैद खुदरी रजील कहते हैं कि फरमाया नबी करीम स मन रहा मिन कुम मुनकरन जो तुम में से कोई बुराई देखे कौन सी बुराई कोई भी बुराई फल युगिर बेयदी उस बुराई को मिटाए उसको खत्म करे किस चीज के साथ अपने हाथ के साथ ताकत का इस्तेमाल करे तो क्या आप अपनी औलाद पे ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते कर सकते हैं और करना होगी ताकत इस्तेमाल पहले आप प्यार से समझाएं मोहब्बत से समझाएं बार बार समझाएँ अगर ना समझें तो फिर ताकत का इस्तेमाल करें इसीलिए फरमाते हैं नबी अलीस अबू अबूद शरीफ की हदीस है सही हदीस है कि बच्चा सात साल का हो जाए तो उसे नमाज की तलकीन करें तरगीब दें नमाज़ पढ़ने के बारे में कहें दस साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो क्या करें पटाई करें तो अगर 10 साल से बड़ा हो चुका है बालक है आपके घर में रहस है उसकी रहस आपने दी हुई है खाना उसे आप दे रहे हैं आपके घर में रह के वो नमाज नहीं पढ़ता, तो आप पे वाजब है कि उसको नसीहत करें समझाएं लेकिन अगर वो बाद नहीं आता तो फिर ताकत का भी इस्तेमाल करें ऐसे ही हुक्मरान ताकत इस्तेमाल कर सकता है वह बुराई को खत्म करने के लिए ताकत इस्तेमाल करे शिरक के अड्डों को खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करे शराब की दुकान को ताकत के जरिए खत्म करें बुराई बदकारी के अड्डों को ताकत के जरिए खत्म करें लेकिन क्या मैं और आप डंडे का इस्तेमाल असले का इस्तेमाल आम लोगों पर कर सकते हैं नहीं कर सकते क्योंकि हमें यह इख्तियार ही नहीं है अपनी औलाद पे कर सकते हैं छोटे भाइयों के ऊपर कर सकते हैं तो जहां जहां कर सकते हैं वहां पे कीजिए लेकिन यह कि आप हुक्मरान के पास पहुंच जाए तलवार लेकर पिस्टल लेकर उसको बुराई से रोकने के लिए नहीं यह काम नहीं करना यह तो बगावत फिर कर रहे हैं आप आप ताकत वहां इस्तेमाल करनी है जहां पे शरीयत ने आपको इजाजत दी है ताकत इस्तेमाल करने की या आप हुक्मरान हैं फिर ताकत इस्तेमाल कीजिए आगे देखिए आप फरमाते हैं फईलम सतफ अब ही अगर कोई हाथ के साथ बुराई को खत्म करने की सतात ना रखता हो तो अपनी जुबान के साथ उसे खत्म करने की कोशिश करे क्या मतलब समझाए नसीहत करे कुरान सुनाए कि भाई कुरान के लिहाज से तुम्हारा एक काम गलत है अदीस के लिहाज से गलत है नसीहत करें आप फिलमियत ही अगर आप जुबान के साथ भी बुराई से रोकने की स्त नहीं रखते तो फिर कैसे रोकें फिर क्या करें फिर दिल में कम अज कम उस बुराई को बुरा जाने वदालिका ताफुल ईमान ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है क्या बुराई को बुराई जानना उससे नफरत करना और अगर आपने बुराई को बुराई समझना तर कर दिया है तो फिर अपने दिल की फिक्र करें कहीं मुर्दा ही ना हो चुका हो कहीं उसके ऊपर मोर ना लग चुकी हो कहीं ईमान वहां से रुखसत ही ना हो चुका हो अब आप बुराई को बुराई भी नहीं समते आपके सामने लोग शराब पी रहे हैं और आप उसको बुराई भी नहीं अब समझते बल्कि उनके साथ बैठ जाते हैं आप पीते हैं नहीं लेकिन बैठ जाते हैं उनके साथ आप आपके घर में बदकारी हो रही है आपकी बेगम लोगों से यारियां दोस्तियां कैम करती है आपकी बहनें लड़कों को दोस्त बनाती हैं और आप बोलते ही नहीं है और दिल में भी बुरा नहीं जानती अब तो आप फिर तो अपने ईमान की खैर मनाए आप और उसके बाद ये देखें एक और हदीस अबू दाऊद शरीफ की इसका नंबर है चार हजार तीन सौ अड़तीस फोर थ्री थ्री एट शेख अलबानी ने इसको सही करार दिया है तो अभी जो पिछली हदीस हमने अभी पढ़ी थी उससे क्या पता चला नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना वाजिब है कि नहीं वाजिब वाजिब है क्योंकि अल्लाह के सुर कह रहे हैं हाथ से रोको हाथ से नहीं जुबान से वरना कम अज़ कम दिल में बोला जानो और दिल में बोला जानने का मामला तब है जब आप बाकी उमूर की स्त ना रखते हो अच्छा अब ये हदीस देखें आप इससे भी पता चलेगा कि निक्की को गुम देना बुराई से रोकना वाजब है कि फरमाया नबी अलीस्त ने और अबू दो शरीफ में आई है और वहाँ पे इसके रावी जो हैं वो अबू बकर सदी के रदी अल्ला है और यदीस जरा ध्यान से सुनिएगा अबू बकर खुतबा दे रहे हैं लोगों को और कहते हैं कि कुरान में ये ऐत आग आई है कि या यूहदीन आम अलैकुम अनफुसकुम ला यदुरुम मन इदाह तदई तुम ये सूरह महदा है और इसकी आयत का नंबर मैं नोट नहीं कर सका वो मैं आपको लिखवाना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इस अदीस को जरा आप तवज्जो दें يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم جي اس کا نمبر जी ऐत का नंबर है 105 सौ पाँच सरा मदद वन ज़ीरो फ़ाइव वन ज़ीरो फ़ाइव अच्छा इस ऐत में क्या है अबू बकर खुतबे में कहते हैं रज़ील्ल्ल चन हो कि अल्लाह तला फ़रमाते हैं कुरानी हकीम में या यूल आमअलीफम ए ईमान वालो अपनी फ़िक्र करो वो शख्स जो गुमराह हो जाए उसका तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा जब तुम हदायत पे रहो इसका मतलब क्या निकला कि कोई गुमराह होता है तो हो जाए गुनाह करता है तो करे शिर करता है तो करे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा जब आप हदायत पे होंगे इसका मतलब यह है कि दूसरों को निकी का हुक्म देना जरूरी फिर नहीं है लोगों को बुराई से रोकना जरूरी नहीं है आप हदायत के ऊपर हैं तो वो तुम्हें नुकसान नहीं देंगे उनका को तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा अबू बकरी कहते हैं कि ये एच जबकि दूसरी तरफ हदीस है नबी अलीसलाम की क्या हदीस है कि लोग जब जालम को देखें जुल्म करने वाले को देखें और उसका हाथ ना पकड़ें उसको जुल्म से ना रोकें तो करीब है कि अल्लाह सब को अजाब में मुब्तला कर दे जुल्म करने वाले को भी और जो जुल्म से रोकते नहीं हैं उनको भी अच्छा अब कुरान की ऐद से बाहिर यह लग रहा था कि आप अगर हदायत के ऊपर हैं आप ठीक हैं कोई और जो मर्जी करे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा ऐत क्या कह रही है कि अगर जालम का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो अजाब उनके साथ साथ आप पर भी आएगा आप किसको लें तो आप इस रवायत को पढ़कर देखें जिसके नंबर में आपको लिखवा चुका हूं। अबू बकर सदीक यही बताना चाहते हैं कि कुरान की इस ऐद को हदीस की रोशनी में समझो और इससे पता चला कि कुरान को अहादीस के बग़ैर समझने वाला ग़लत समझेगा कई मकाम पर गुमराह हो जाएगा और यही कुछ हुआ है उन लोगों के साथ जिन्होंने अहदीस को कबूल नहीं किया जो अदीस को शरीयत नहीं मानते जो अदीस को दीन का मसर नहीं मानते मिसाल के तौर तो पे जवेद अम और इनके बड़े मौलाना मीन आसन इसलाही हमीदुद्दीन फराही परवेज और कई मकाम पर मौलाना मदुद्दी को भी ठोकर लगी है और दीगर भी कई लोगों को ये ठोकरें लगी हैं तो सही बात क्या है कि इस ऐत को हदीस की रोशनी में समझा जाए यह पैगाम है किसका वो बकस अल्लाह करती का तो अब फिर मतलब क्या निकलेगा ऐत अब जब हदीस आपके जेहन में होगी तो फिर कुरान की आपको समझ क्या आएगी कि अल्लाह तला कह रहे हैं ईमान वालों अपनी फिक्र करो तुम्हें वो नुकसान नहीं दे सकेगा जो गुमराही के रास्ते बेचार रहे जब तुम हदायत के ऊपर हुए और हदायत हदायत हदेच पे होने का मतलब क्या है कि आप तो हीर के ऊपर हैं हदायत का मतलब क्या है कि आप नमाजें पढ़ते हैं हदायत का मतलब क्या है कि आप जक़ात देते हैं अगर वाजब है तो हदायत का मतलब यह है कि आप हज करते हैं अगर आपके ऊपर फर्ज है ऐसे ही है ना तो हदायत का मतलब ये भी है कि आप नेकी का हुक्म देते हैं बुराई से रोकते हैं तो ऐत का मतलब ये हुआ कि आप अगर हृदय के ऊपर हैं इनकी नेकी से रोक रहे हैं बुराई नेकी का हुक्म दे रहे हैं बुराई से रोक रहे हैं फिर भी कोई अगर आपकी बात नहीं मानता वो गुमराई की राह पर चल है तो अब आपको कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आपने अपने आकदा किया आपने उसको दावत दी खैर की आपने बुराई से रोका तबलीग की नसीहत की अब आपको कोई नुकसान नहीं होगा तो इमाम बरबारी क्या कह रहे थे कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना यह क्या है ये वाजब है तो वाजब हर मुसलमान पे है लेकिन अपनी अपनी ताकत के मुताबिक और अपने अपने इलम के मुताबिक। चुनाचे नमाज वाजब है ये मसला हर कोई जानता है तो नमाज पढ़ने का हुक्म हर कोई देगा हर एक पे वाजब है कि वो नमाज पढ़ने का हुक्म दे बदकारी जना गुना है सबको पता है तो इससे मना करना ये फरीदा हर एक का हर एक मना करेगा इससे लेकिन कई ऐसे मसायल होते हैं जिनका आम आदमी को पता नहीं होता कि उनमें शरीयत का मौकफ क्या है जहर है वहां पर वह खामोशी इख्तियार करेंगे या वो इलम लेंगे किसी से पूछेंगे मसला तो इमाम बरबारी कह रहे हैं कि नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना वाजब है इलामन खिफ तईफ ओ आसाहू मगर जिसकी तलवार और जिसके डंडे और असा और लाठी से आप डरते हों यानी कि उसे नेकी का हुक्म देना वाजिब नहीं होगा और वो कौन होगा हुक्मरान हुक्मरान अगर कोई ऐसा है जिसके बारे में आपको पता है कि अगर मैंने इसे बुराई से मना किया मुझे कत्ल कर देगा तो वहां पे उसे नेकी बुराई से रोकना वाजब नहीं होगा उसे नेकी का हुक्म देना वाजब नहीं होगा अगर आपको पता है कि आपको कत्ल कर देगा या आपकी आंखें निकाल देगा या आपका बाजू तोड़ देगा तो फिर वहां पे नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना वाजब नहीं होगा लेकिन क्या वो आपके दिल का भी मालक है जी बादशाह जिस गुनाह को कर रहा है कम से कम दिल में तो आप उसको बुरा जाने और ये कम से कम दर्जा है कि इल्ला मन तैईफ हो ओ कि आप पे वाजब है कि आप निकी का हुक्म दें बुराई से रोकें हर एक को निकी का हुक्म दें हर एक को बुराई से रोकें सवाए उस शख्स के जिसकी तलवार से आप डरते हैं जिसकी डंडे से आप डरते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में फताह तुम अल्लाह से डरते रहो अपनी ताकत के मुताबिक तो अपनी ताकत के मुताबिक नेकी का हुक्म देंगे बुराई से रोकेंगे और जहाँ आप ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पर आप ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे अखलाक के साथ प्यार के साथ आप बुराई से रोकेंगे और जहाँ पर आप ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ कम अज़ कम आप दिल में उस बुराई को बुराई जानेंगे और उसे नफ़रत करेंगे यहीं पर आज के दरस का अख्तितम करते हैं अल्लाह रब्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें कुरान हदीस के ये अहकाम व मसायल की तोफ़ी नेहद फरमाए और अल्लाह रबुल्ज़त हमें तमाम बुराइयों से महफूद रखे और जब मौत दे तो इस हाल में दे कि हम तोहद के ऊपर हों और तमाम गुनाहों से तौबा कर चुके हों और अल्लाह करे कि हमारी रूह को कब्ज़ करने के लिए जन्नत के फरिश्ते आएँ और अल्लाह ती हमें अजाब क़ब्र दब से महफूज रखे और जितने मुसलमान फ़ौत हो चुके हैं उन्हें भी अल्लाह तब कबल दाब जनम से मफूज रखे और अल्लाह तमाम मुसलमान मरीदों को शिफा नेत फरमाए واخر دعوانا للحمد لله رب العالمين